देखिए एक वन डे प्रोग्राम आज हमने मुनक़द किया था कुजुरा गांधरबल में, तो ये एक कोलाब्रेशन था वेलफेयर कमेटी ऑफ कुजुरा एंड आयुष, मिनिस्टर ऑफ आयुष। तो आयुष के हम बहुत ही बड़े ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इन लोगों को हमने जहाँ भी बुलाया ये लोग आए, अपनी टीम को ले गए, इनके डॉक्टर साहिबान आए, इन्होंने अपने साथ मेडिसिन लाया, लोगों में प्रोवाइड किया फ्री मेडिसिन और लोगों को समझाया कि इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरीके से बूस्ट होगी, बल्कि उसी हवाले से लोगों को इन्होंने वो मेडिसिन प्रोवाइड किया। तो हम इनके बड़े ही शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी मुनक़द हो, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ भी डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं, डॉक्टर साहिबान नहीं पहुँचते हैं, या उन इलाकों में जहाँ पर लोग अभी खबरदार नहीं है कि इस बीमारी से किस तरीके से निपटना है। तो हम एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस आयुष का और इन लोगों का जिन्होंने इसमें तावन किया। जी हाँ जी, जो ये आज का प्रोग्राम हुआ है कुजर गांधरबल में, हम वेलफेयर कमेटी की तरफ से तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड अदर सोशल वर्कर्स, जिसमें कि हम बिलाल साहब है, इसने भी इस प्रोग्राम को मुनक़द करने में बहुत इकदाम उठाए हैं, और नोडल अफसर ने भी इसमें हमारा तआवुन दिया है। इनकी वसादत से हम ये प्रोग्राम करने में हम कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस वबाई हालात में कि हम कैसे इस एहतियात कैसे अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करें। उन्होंने अद्वियात फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अद्वियात, और इन्होंने ये भी पब्लिक को अवेयर किया है कि हम कैसे SOP पर ये अमल करें, उन्होंने ये भी बताया है। इसके बारे में हम शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, नोडल अफसर यू से भी, और मिनिस्ट्री ऑफ यू से भी हम शुक्रगुजार हैं इस बारे में। तो हमारा ये मेन मकसद यहाँ पे कैंप करने का है कि हम पूरे गांधरबल इलाके में फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुँची है हम वहाँ पर मेडिसिन पहुँचाते हैं, ताकि ये जो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने का जो हमारा मोटो है वो हम पूरा कर सकें। क्योंकि आप लोगों को खुद को पता है कोविड की कोई दवाई अभी निकली नहीं है, तो देखा गया है जिसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडली हम इन्हें अवेयर करते हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें और बाहर ज़्यादा नहीं निकलें, हैंड वॉश हैंड सैनिटाइज करते रहें। तो हम ये अवेयरनेस कैंप और इम्यूनिटी बूस्टिंग कैंप जो है हम हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी कोई नहीं पहुँचा वहाँ हमारी डिपार्टमेंट ने सारा ये काम कर दिया।